मैं आरएसएस का प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूं, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया और बोला कि मनीष अगर आप चंपारण के लिए काम करना चाहते हैं या बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, हमने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, डॉक्टर संजय जायसवाल जी को प्रत्याशी बनाएं, आप उनको मजबूत कीजिए और चुनाव बाद जो है आप जिस प्रकार से काम करना चाहेंगे, आपका जेन्युइन डिमांड होगा, उसे पूरा किया जाएगा, तो कौन नहीं मानेगा। अपने परिवार में मतभेद होता है, आपको अपनी बीवी से झगड़ा हो जाता है तो क्या बीवी को तलाक दे देते हैं? विरोध में आपने एक महीने पहले तक आप उनके विरोध की बात करते थे और आज एक महीने में आपने क्या ऐसा देखा? देखिए ये परिवर्तन बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से मैं प्रेरित हूँ और मैं आरएसएस का मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित हूँ और क्या हम भाजपा के परिवार क्या वो देखिए वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि घटना सही था कि गलत था। सुनिए देखिए देखिए एक मिनट सुनिए और देखिए, आप लोग पढ़े लिखे पत्रकार हैं, जब कोई मैटर कोर्ट में चला जाता है तो वो पत्रकार को वो ये जवाबदेही नहीं रहता है कि पत्रकार डिसाइड। सुनिए पहले लेट मी क्लियर करने दी। जब सुनिए मैं बताता हूँ, जब कोई भी चीज़ें कोर्ट के अंदर चला जाता है तो कोर्ट को तय करने दिया जाता है कि कोर्ट क्या तय करता है। जब कोर्ट में नहीं गया रहता है तब तक आप चीज़ों को दिखाते हैं। जब तमिलनाडु प्रकरण कोर्ट में गया था उसके पहले सब लोग बोलता था कि यूट्यूबर है, फलाना है, ढिकाना है, कहीं वीडियो बना दिया होगा। कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, तब मैंने वीडियो बनाया कि कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया। अभी वो केस कोर्ट में है, कोर्ट डिसाइड करेगा और जिस दिन कोर्ट डिसाइड कर देगा उसके बाद से जो है आप हमसे सवाल पूछिएगा उस केस के संबंधित, उस केस के संबंधित, क्योंकि कोर्ट के ऊपर जो है कोई कुछ नहीं बोल सकता है, कोर्ट का सम्मान जो है सब लोग करता है। बिहार में शिक्षा को कैसे देखते हैं? शिक्षा व्यवस्था पे काम होना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था पे काम होना चाहिए और नीतीश कुमार जी जो है उस पर जो है हम नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि 2012 के बाद से बिहार एक पॉलिटिकल अनस्टेबल स्टेट हो गया था जिसमें नीतीश कुमार जी 3-4 बार इधर उधर दल बदल हो गया, नहीं करेंगे ये गारंटी है। मनीष कश्यप ने बोला था सरकार गिरेगा, सरकार गिर गया। मनीष कश्यप ने बोला था पुल गिर, अरे सरकार भगवान ने गिराया ना पुल, भगवान ने गिराया ना, तो भगवान अब जो है नीतीश कुमार को पलटने नहीं देंगे। मनीष जी एक सवाल किशन होटल के सामने से आपने गली रोड दिखाया कि बड़ा बढ़िया हो गया, आप जो है पत्रकारिता का इथिक्स पढ़ लीजिए, अगर पत्रकार हैं तो मैं सम्मान करता हूं क्योंकि मैंने भी बहुत बार जेल जाके ये सारी चीजें सीखा है और जेल में जाके मैंने किताब पढ़ा है। आचार संहिता में कोई काम नहीं होता है, पहले सुनिए तो सही, केवल आप सवाल पूछिएगा आचार संहिता से पहले वो किसका जवाब दूं इनका कि इनका? अच्छा पहले आपका सुनिए, नहीं उनका क्लियर करेंगे भैया, आपका दे देता हूँ। कोई भी चीजें जो है पहले से प्रोजेक्ट पास हो गया रहता है और अगर आज प्रोजेक्ट पास हो गया है ना तो वो आचार संहिता में भी बन सकता है चुनाव के दिन।